याह हुजूर वस्सलातु व सलाम अला मल लानीया बाद अहम बाद मोहतरम श्रोकाए वर्कशॉप मोहतरम बशीर जुमा साहब हमारे रिपोर्ट पर्सन डॉक्टर अती खुजफर साहब जनरल सेक्रेटरी जनरल थंडर फॉर पीस एंड ग्लोबल स्टडीज हमारे कलीग डॉक्टर सिद्धार्थ शेट्टी साहब और पार्टनर्स फ्रॉम मलेशिया ब्रदर शहरान एंड सिस्टर आइना मैं आपको चार रोजा वर्कशॉप की आज की तीसरी नशीत में खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम के आगाज़ के लिए हमने दिलावत कलाम पाक के लिए दावत दी है डॉक्टर रहमान साहब सैसन मस्जिद इस्लामिक सेंटर के इंचार्ज हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर साहब क़ुरान पाक की चंदायत तिलत फरमा कर इस प्रोग्राम का आगाज़ करें डॉक्टर तारीज़ा साहब جاء يذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن أنتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين

Uh, सर जी कंटिन्यू करें प्लीज अनम्यूट अनम्यूट कर स्क्रीन शेयर करवा दें है आज है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बा अल्ला हमदी सब अल्लाज़ीम वबी हमदही अस्तफल्लाम तखर उरा सल आ मौलाना मोहम्मदन बेअदी मन सामा सल ना मौलाना मोहम्मदन बेददी मन काद वक़ाम मोहतरम डॉक्टर अतिकुलजफ़र साहब सजात साहब डॉक्टर रहमान साहब बहुत सारे डॉक्टर्स के दरमियान में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एहसान साहब आपका भी शुक्रिया आज हम अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की है कि जो मौजू है यानी टाइम मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसको करीब लाने की कोशिश करें और वो उर्दू का हाथ आठ का जो हिस्सा बनता है ना वो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से तो हम एट की तरफ जा रहे हैं आज आ, हम आज पहले गुफ्तगु करेंगे जो टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट के हवाले से जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनको किसी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आज इन उनवाना पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं टर्म्स के हवाले से वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशेंट इम्पोर्टेंट अर्जेंट पॉसिबल एंड वैल्यूज़ प्रैक्टिसिंग द प्रायोरिटीज मेथड द आइजनहावर ग्रीट द प्राइम टाइम एंड एनर्जी लेवल यूनिवर्सल गवर्निंग वैल्यूज़ 80 20 रूल पार्किंसन लॉ द स्वि स्लाइस टेक्निक रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी तो ये चीज़ें जो थी वो हम आज आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले तो आइए हम गुफ्तु करते हैं इफ़ेक्टिव एंड एफिशेंट पीटर ड्रक्कर ने उसको डिफाइन किया है कि डूइंग दाइट जॉब इज इफेक्टिवनेस एंड डूइंग दॉब राइट इज एफिशेंसी

और इफ़िशेंट यानि मुस्तैद इस्तेदाद के साथ काम करने के हवाले से डूइंग द जॉब राइट इज़ एफिशेंसी एफिशेंसी इज़ विद लेबर एंड स्पीड परफॉर्मिंग फंक्शंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर हैविंग एंड यूजिंग रिक्यूजाइड नॉलेज स्किल्स एंड इंडस्ट्री कंपिटेंस एंड यू आर कैपेबल यानी एक का ताल्लुक मकसद से है और एक का ताल्लुक अच्छे तरीके से परफॉर्म करने से है आप कह सकते हैं कि ये, ये फर्ज जो है बहुत इफेक्टिव है यानी जिस मनसब पे वो फाइज है उस मनसब के तकाजे पूरे कर रहा है उस मनसब से जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड है वो पूरी हो रही है तो वो इफेक्टिव है और अगर वो काम जो है वो अच्छी तरीके से अच्छे मेहनत से कर रहा है तो वो एफिशिएंट है यानी दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलने वाली चीजें हैं इंटेग्रेटेड हैं अब आप आइए इंपॉर्टेंट अर्जेंट पॉसिबल एंड वैल्यूज के हवाले से आप जब कोई काम करते हैं तो आप पूछते हैं ना कि मैं क्यों काम कर रहा हूं इज इट इट इंपॉर्टेंट डायरेक्टली टू योर विजन इन व्यू ऑफ लाइफ दे टेक यू क्लोजर टू दूर लाइफ यानी आपके काम आपकी एक्टिविटीज आपके मकासद अगर आपको आपके विजन के मुताबिक ले जा रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अर्जेंट क्या है

जैसे मरीज को एम्बुलेंस में ले जाना है और डिले हो जाना एक खतरे की अलामत है तो इंपोर्टेंट और अर्जेंट का ये फर्क है पॉसिबल क्या चीज है? ऑल टास्क कम इन द डोमेन ऑफ योर एबिलिटीज यू डिसाइड अबाउट दिस टास्क बेस्ड ऑन वेयर यू लिव एंड यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां आप रहते हैं और जहां आपकी जिम्मेदारियां हैं उस माहौल के अंदर रहते हुए जो चीजें मुमकिन उसको आप करने की कोशिश करते हैं आपका काम यह है कि अपने जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं इनकी दो कैटेगरीज बनाए इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड पॉसिबल इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड पॉसिबल कल मिसाल दी थी कि छह छह फीट का कद में पांच फीट नहीं कर सकता वो पॉसिबल नहीं है लेकिन आप इस उम्र में भी पीएचडी कर सकते हैं ये पॉसिबल है अब आप आइए अगले टॉपिक की तरफ कल हमने आपको एक ग्रेड बताई थी टीएमजी टाइम मैनेजमेंट ग्रेड ये एक नई चीज थी और टाइम मैनेजमेंट के लिकट्रेचर में एक इजाफा है अलहमदिल्ला और हमें उम्मीद है कि आप इस मौजुआ पर मज़ीद चीज़ों को एस्केलेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आज हम आपको एक और ग्रिड की तरफ ले जा रहे हैं जिसमें तरजीहत को मुतन करने का तरीका फार्मूला आयुस्मेटिक मैथमेटिक टूल जो कुछ भी आपके हैं वाज है, मैं इस मामले में कोई पीएचडी नहीं हूं और नहीं मैंने कोई साइंटिफिक चीज ईजाद की है मैं एक आइडिया आपके सामने प्लेस कर रहा हूँ आपका काम है कि इसको मजीद प्रैक्टिस करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें मेरे इल में भी इजाफा होगा आपके इलम में भी इजाफा होगा लेकिन आइडिया दे देना वो मेरी जिम्मेदारी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ देखें इसके ये स्टेप्स हैं लिस्ट डाउन ऑल आइटम्स यू वांट टू डू आप लिख लें नीचे से ऊपर से नीचे वन टू थ्री फोर फिर उसको कोशिश करें कि अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो ग्रुप वाइज कर लें वरना एक कॉलम बना दें और ग्रुप का नाम लिख लें यानी आपकी जो ग्रुप्स हैं जहन तौर से करियर के हवाले से उस हवाले से और इसको कैटेगराइज करें उन पांच लेंस में जो हमने कल जिक्र किया था फिर आप कोशिश करें कि जो आपकी स्ट्रेंथ इसके अंदर इस काम को करने में जो फायदा है उसको आउट ऑफ टेन नंबर्स दें जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको भी आउट ऑफ टेन नंबर्स दें और जो वीकनेसेस हैं और जो थ्रेट्स हैं इन दोनों को दस दस नंबर माइनस में देने की कोशिश करें आउट ऑफ टेन दस नंबर पूरे नहीं करने हम एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको फिर उसकी आपकी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंस है उसको भी आप आउट ऑफ टेन नंबर दें और अर्जेंसी है उसको भी आउट ऑफ टेन नंबर दें और फिर जो सबसे ज्यादा अहम है कि वो उसकी वैल्यूज क्या है यानी आपने ये छह चीजें कर ली लेकिन वो दीनी नुक़ नजर से हराम है तो फिर तो आपको नहीं करना वो माइनस टेन हो जाएगा तो आपकी लाइफ की वैल्यूज के हवाले से भी नंबर्स असाइन करें फिर ये आपके पास जो है पांच प्लस और दो माइनस का जो है नेट कर लें कि क्या रिजल्ट आता है उस रिज़ल्ट के बाद आप डिसाइड करें कि आपकी क्या प्रायोरिटी है इसकी और फिर एक्शन प्लान बना लें देखें हम आपको अब चार्ट शेयर कर रहे हैं उस चार्ट को देखें इसके बाद आप अपनी जिंदगी का इसी अंदाज से टू डू लिस्ट बनाएं और देखें कि आपके लिए क्या अहम है और क्या नहीं है देखें ये चार्ट है बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमने एरिया या लेन लिखी है ठीक है और यहां पर हमने स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स इंपोर्टेंट अर्जेंट वैल्यू और टोटल दिए हुए हैं तो जो पांच आइटम हैं उसको हमने दस दस ऊपर रखे हैं और जो दो हैं उनको दस दस मार्क्स नीचे रखे वो माइनस में से तो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी थर्टी हर वो नंबर काम जिसके मोर देन थर्टी आएंगे वो आपकी प्रायोरिटी में शामिल किया जा सकता है होगा नहीं कह रहा क्या जा सकता है अब फर्स्ट करें कि आपने एक डिसाइड किया कि विजिट पेरेंट्स इन विलेज, ठीक है अब आप मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं दोनों के कैफियात तो और कंडीशंस अखराज अलग अलग हैं छुट्टियां अलग हैं कोविड अलग है सब चीजें आपने इसमें से स्ट्रेंथ दस दी ठीक है और वीकनेसेस जो हैं कोई नहीं है अपॉर्चुनिटी दस दी थ्रेड जो है वो माइनस टू आ गया इम्पोर्टेंस आठ है अर्जेंसी पांच है और इसकी वैल्यू जो है वो टेन है तो नेट हुआ फोर्टी वन तो ये आपकी प्रायोरिटी हो गई और ये प्रायोरिटी आपकी कैटेगराइजेशन के अंदर वन ऑफ बिग प्रायोरिटीज एंड ए प्रायोरिटी हो गई अब इस पे एक्शन आपको लिखना है और आपको वन लिखना है देखिए ये जो ग्रिड है ये प्रैक्टिस एड है जैसे हमें तख्ती पर लिखाया जाता था या आप स्कूल में जो लिखते हैं या आप टाइपराइटर में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है ये एक प्रैक्टिस एड है इसको आप करने की कोशिश करें उम्मीद ये है कि आप कुछ अरसे करने के बाद चीजों को ऑटोमेटिकली कर लेंगे आपको शायद इस चार्ट की जरूरत ना हो लेकिन शुरू के दिनों में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है और आपके लिए इनशफुल्पफुल होगा और ये आज आपका एक टेक अवे है जैसे कल की एक ग्रिड टेक अवे थी ये आज की ग्रिड बहुत इम्पोर्टेंट है टेक अवे है और मेरा ये ख्याल है कि टाइम मैनेजमेंट के लिटरेचर में ये चीज़ मौजूद नहीं है हम अलहमद इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं अब हम आइए आगे यहाँ पर हमने वही चीज़ को रिपीट किया है और नई चीज़ नहीं है सिर्फ यातहानी के लिए कि विजिट पेरेंट्स इन द विलेज इसका रसमुलख हमने बदल दिया है ताकि यूं लगे कि जैसे आपने खुद लिखा है अब आप आइए अगले लेसन की तरफ दी आइजन हावर ग्रीड सिस्टम देखें आइजन हावर एक फौजी शख्स अमेरिकन सदर बना और इसने जब प्रेसिडेंट हाउस के अंदर आपको अंदाजा है कि फाइलों का अंबार और कामों का अंबार आता है तो उसने लोगों से कहा कि आप मुझे जो है ये ग्रिड बना कर दो कि ये वाला जो काम है वो किस कैटेगरी के, के अंदर आता है इसे फिर स्टीफन कोवे ने क्वाड्रेंट का नाम दिया है फिर इसके किसी ने नौ कॉलम बनाए हैं जो नासा के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने किताब लिखी है तो हम आप कोशिश कर रहे हैं आपको आइजन हावर ग्रीड के बारे में बताने के लिए लेकिन आइजन हावर ग्रीड यह है कि आप अपने कामों की फैरी से जगह बना लें फिर आप आ, एक दो तीन चार कॉलम बनाएं और इनकी चारों की हेडिंग लिखें अर्जेंट नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट के अंदर जो हैं वो चीज़ें लिखें जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों चीज़ें हैं वो ग्रीन के अंदर लिखें जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं वो ब्लू में आएंगी जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं वो येलो में आएंगी और जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, वो रेड के अंदर आ जाएंगी ये चार कलर्स आप याद रखें वो बहुत अच्छे कलर्स भी हैं और काम के भी हैं और ग्रीन आपको अंदाजा है सिग्नल के हवाले से लिखा गया है रेड जो है आपको अंदाजा है कि कैसे किया गया है ये वाला येलो जो है आपको तैयारी के हवाले से कहा गया है ब्लू जो है उसके अंदर वसत है आसमान की और समंदर की अब आगे आइए कि जो ग्रीन के अंदर है उसके अंदर आप अपनी एमरजेंसी को लिखेंगे जो येलो के अंदर है वो आपकी टीम कर सकती है उसे आप डेलीगेट करने की कोशिश करें जो बिलू है वो आपके गोल्स एंड प्लान हैं जैसे आपके गोल्स या प्लान हो सकते हैं पी एच डी है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना है वाई है। और जो तीसरी चीज है डोंट इंगेज इन देम आउटसोर्सेस किसी को दे दो ये काम करने के लिए वो पैसे लेकर कर देगा ये वाली चीजें हो सकती हैं इसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है हमने फोर डीज के अंदर हमने किया क्या किताबों के अंदर है नेट पर अवेलेबल है अर्जेंट डू इट नाउ देन डू इट नाउ डू इट लेटर बिलू है इंपॉर्टेंट लेकिन आप बाद में कर लीजिएगा लेकिन ये आपके लिए अहम है येलो डेलीगेट डेम मेक ए सिस्टम इस किस्म की एमरजेंसी आए तो आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत न पड़े बल्कि दूसरे लोग इसको काम कर डिलीट डेम एंड नोट टू डू इट आउटसोर्स इट अब इसमें सबसे ज्यादा अहम जो रहती है देखें तीन चीजें तो सिग्नल की हो गई बिलू जो है वो आपके जहन में हमेशा रहेगा और उस पर आप फोकस करने की कोशिश करेंगे ये थी आपकी आइजन हावर ग्रीट अब हम आते हैं आपसे गुफ्त करते हैं एनर्जी लेवल एंड एन प्राइम टाइम देखें हर इंसान की जिंदगी में 24 घंटे के अंदर जिंदगी 24 घंटे की ठीक है दो से तीन घंटे कम से कम वो मयसर होते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जैसे आपका सोचने का अंदाज है फिक्र है क्रिएटिव वर्क है तो ये जो हमने एक सर्किल बनाकर आपको दिया है और ऊपर टॉप पे हमने बारह लिखे हैं वो आपका सुबह 5 बजे उठने का टाइम है या 6 बजे या सात बजे जो कुछ भी है जो भी आपका अवेकनिंग टाइम है वहां से आप शुरू करेंगे और तीन तीन घंटे एड करेंगे और इसके अंदर आप कलर भरेंगे और आप समझ लें कि ब्लू कलर इज बेस्ट कलर फॉर यू तो आप देखें कि वो कौन सा कलर है जो कौन सा टाइम है जिसमें ब्लू कलर आप भरेंगे और आप पिंक कलर ले लें कोई और कलर ले लें ये आप भर के कोशिश करें एक नोटबुक ले लें और बिल्कुल एक बीच में रुमाल रख के सर्किल बना लें या पतीली रख के सर्किल बना लें प्यारा रख के सर्किल बना लें और फिर ये आठ जो है खांचे बन जाएंगे इसको करने के बाद जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन से अवर्स हैं जिसमें आपको जो है बहुत इफेक्टिव एफिशिएंट होते हैं और आपका दिमाग चल रहा होता है यही जो चीज है इसे आप एनर्जी लेवल से भी मुंसलिक करें यानी आप में कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जब आपकी एनर्जी हाई होती है जैसे सुबह नाश्ते के बाद एनर्जी हाई होती है लंच के बाद नॉर्मली हम डल होते हैं खाने के बाद डिनर के बाद कोई कैफियत अलग होती है लेकिन नाश्ते के बाद उमूमन जो है एनर्जी लेवल हाई होता है तो उस पीरियड के अंदर आप अपने आप के लिए अहम काम करने की कोशिश करें और इसे निकालने की कोशिश करें परफॉर्म डिलीवर करने की कोशिश करें देखें ये हमने चार्ट बनाया हुआ है इसके अंदर जो ग्रीन के अंदर है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट है और फिर हर एक के अंदर दो दो स्लॉट्स दिए हुए हैं टाइम स्लॉट्स के और उसमें आप लिखें कि वेरी हाई हाई मीडियम लो स्लिप ये एक से दस तक के लिए आप ले लें फिर आप देखें कि वो कौन से औकात हैं जिसके अंदर आपका जो है एनर्जी लेवल और प्राइम टाइम दोनों मिक्स हो रहे हैं अगर आप प्राइम टाइम को लेते हैं तो वो भी सही है आप एनर्जी लेवल को लेते हैं तब भी सही है दोनों के मिक्सचर को लेते हैं कंबिनेशन को लेते हैं ठीक है आम जुबान में दूध पत्ती चाय पीते हैं तो ठीक है ग्रीन चाय पीते हैं तो ठीक है या दूध पीते हैं तो ठीक है ये थी आपकी ये वाली चीज अब आप आइए यूनिवर्सल वैल्यूज अब यूनिवर्सल वैल्यूज जो है वो क्या है उस पर हम आपसे गुफ्तगु करने की कोशिश करेंगे और इसका ताल्लुक आपकी शख्सियत से भी है देखें इक्टिव ऑफ अवर रिलीजियन कुछ वैल्यूज़ हैं जो ग्लोबली एक्सेप्ट की जाती हैं रिकग्नाइज की जाती हैं और मानी जाती हैं और उन वैल्यूज को इशारतन बता रहे हैं देखें मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा इसलिए कि तफसील वाला मामला आपका है और आप इसको प्रेजेंट करेंगे बहस टीचर के मैं इशारात की सूरत में आपके साथ शेयर कर लेता हूं पहली जो चीज है वो है सच्चाई सच्चाई वो चीज है जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है हमेशा सच बोले हमत में जो तीन एक्सेप्शन है वो अलग चीज है लेकिन अमूमी मामला में आप सच्चाई के साथ काम करने की कोशिश करें सच आप में एतम भी पैदा करेगा सच आप में कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगा सच आपको आगे भी ले जाएगा सच आपको तस्लीम भी करवाएगा नंबर दो इफाए अहद अपने वादों का इफा करना जो आपने वादा किया है वो इफा कर लें नामुमकिन है तो फिर छुड़वाने की बजाय रिडिस्कस करें निगोसिएट करें अगर पार्टी मान जाती है तो ठीक है नहीं मानती तो आपको अपने वादे को पूरा करना है ट्रस्टवर्दीनेस ट्रस्टवर्दीनेस ये है कि आप काबिल एतमाद हों काबिल भरोसा हों लोग आप पे भरोसा कर सकें और अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं और आप गलत बयानी करते हैं आप झूठ बोलते हैं आप सूरत हाल को गलत अंदाज से पेश करते हैं तो फिर आपको लोग तस्लीम नहीं करेंगे आप पर एतम नहीं करेंगे और आपका ये अमल एक धोखेबाज फर्द की सूरत में सामने आएगा जस्टिस इक्विटी एंड फेयर प्ले आप जब जस्टिस की बात आ रही है तो अपने साथ भी इंसाफ करें लोगों के साथ इक्विटी के साथ इन मामला को करें और फेयर प्ले करें आपकी गलती है आप तस्लीम कर लें इंटेग्रिटी वो तमाम काम अगर लोग न देख रहे हों तब भी आप अच्छाई के साथ कर रहे हों आप खौफ माशरा की वजह से बाज़ोकात कोशिश करते हैं कि अच्छे काम करें माशरे में तस्लीम कराने के लिए और खौफे माशरे की वजह से बाज़ोकात बुरे कामों से बचते भी हैं लेकिन इंटेग्रिटी ये है कि कोई आपको देख ना रहो तब भी आप सच्चाई पर काम रहें और प्रूडेंस यानी होशियारी खतरे को भांप लेना मोहतात रहना देखें ये एक दो तीन चार पाँच छः चीज़ें वो हैं जो आपके लिए एक यूनिवर्सल गवर्निंग वैल्यूज़ हैं जिसकी आपको पासदारी करनी होगी और मेरा ये ख्याल है कि तमाम मज़ाहिब में इसकी बहुत अहमियत है हमारे मजहब में तो इसकी अहमियत है ही अलहमदिल्ला इसमें दो एडिशनल चीजें जो हैं वो आ रही हैं वो ये है कि अंग्रेजी का नौ का हिंसा या छ का हिंसा अगर आप बीच में रखें तो एक फर्द जो है उसको नाइन पड़ेगा और एक फर्द उसको छ पड़ेगा जो छ पड़ेगा वो गलत नहीं है जो नौ पड़ेगा वो सही है यानी आप भी सही हैं और आप भी गलत नहीं हैं तो जस्ट बिकॉज यू आर राइट डज नॉट मीन आई एम रोंग यू जस्ट हैवन सीन लाइफ फ्रॉम माई साइड हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं वहां पर हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि ये माशरे में दूसरे लोग भी रह रहे हैं और उस अंदाज से जिंदगी गुजारनी होती है दूसरे के नुक़ नजर को देखने की समझने की और निगोशियट करने की कोशिश करें दूसरी तस्वीर दरिया के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना हुआ है दो फिट का यहां से एक बकरा आ रहा है यहां से एक बकरा आ रहा है और दोनों आमने सामने आ गए अब होना है टकराव और टकराव होगा तो चूंकि पुल इतना छोटा है तो दोनों गिरेंगे तो दोनों मैं मैं की अपनी इगो की आवाज निकालते हैं और इसके बाद टकराव होने वाला होता है और यह कैफियत आती है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे तो इसमें एक बकरा बैठ जाता है और दूसरे को वॉक ओवर दे देता है ये थोड़ी देर का बैठ जाना जो है और दूसरे को वॉक ओवर देना आप देखें कि हमारी घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत अहम है हमारी इंस्टीट्यूशन में भी बहुत अहम है और हमारी पॉलिटिक्स में भी बहुत अहम है और यकीन जाने कि हमारे यहाँ अच्छी मिसालें मौजूद हैं इस हवाले से तो बाज़ात वाक ओवर देना जो है बहुत सारे इस्तेकाम का बाइस बनता है फसल बैना अखम उर्दू के चार हरूफ हैं ये वाले रे फे ये काफ आप अगर रफीक बनके एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को सपोर्ट करके जा रहे हैं तो आप रफीक हैं इन्हीं इन्हींफ को आप बदल लें तो आप फरीक बन जाएंगे और जब टकराएंगे तो फिर आप फकीर बन जाएंगे तो ये रफीक फरीक और फकीर को अपने जहन में याद रखें ये चार उरूफ जो हैं रिफक से निकले हैं मोहब्बत से निकले हैं इसका आप ख्याल रखें कि रखेंती बदलने से क्या से क्या हो जाता है अब आप आइए आगे एटी ट्वेंटी रूल एटी परसेंट ऑफ इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय ट्वेंटी परसेंट तीन 300 साल पहले का नजरिया था इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फेमस इटालियन इकोनॉमिस्ट वेडो पेरेटो वो कहता है कि 80 परसेंट परफॉर्मेंस डिपेंड्स 20 परसेंट ऑफ थिंग्स 20 परसेंट कस्टमर्स गिव 80 परसेंट बिजनेस 20 परसेंट सप्लायर्स प्रोवाइड 80 परसेंट गुड्स तो वो ये कह रहा है कि जो ट्वेंटी परसेंट इफर्ट लेवल है उसको आप करने की संभालने की और एक्सपर्टिज करने की कोशिश करें बकिया चीजें आप किसी और को डेलीगेट कर दें ये लोगों ने मफहूम निकाला है हम सिर्फ 80 ट्वेंटी रूल की डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं देखें ये पहला जो चार्ट है जिसमें ब्राउन और येलो दिखाया गया है वो आपको बता रहा है कि आपने आपका इनपुट जो है वो ट्वेंटी परसेंट है और सीधे हाथ पे आपका आउटपुट जो है वो एटी परसेंट है और आगे येलो जो है वो इनपुट एटी परसेंट है और आपका आउटपुट ट्वेंटी परसेंट है तो लाजमन आप ट्वेंटी परसेंट पे फोकस करेंगे ताकि आपको एटी परसेंट रिजल्ट आ जाए और बाकी चीजों को आपको कंप्रोमाइज या कुर्बानी की बात करनी होगी अब आप आइए आगे दॉ के दो मौजूद पर छोटी सी गुफ्तु करनी है दिस इज कार्ड द लॉ ऑफ पार्किसन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वर्क एक्सपांस अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल जितना टाइम आपके पास होता है काम इतना ही फैलता है आप इसको तस्वुर कर रहे हैं कि हम एग्जाम के अंदर जो हमारे कन्वेंशनल एग्जाम होते हैं वो तीन घंटे के अंदर हम कम से कम बीस सफे लिख लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हेडिंग्स के साथ बना बनाकर लिख लेते हैं अब आप जो है ये क्यों करते हैं इसलिए कि आप पे एक टाइम बाइंडिंग का प्रेशर है वही काम आपको अगर बगैर टाइम बाइंडिंग के किया जाए तो मुमकिन है आप हफ्ते में करें मुमकिन है आप महीने में करें और मुमकिन आप करें ही ना तो आगे हम तस्वीर के जरिए से हम बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या नजरिया है देखें ये जो है आपका नजरिया ये वाला ये जो थ्री आवर्स में जो आप काम कर लेते हैं इसकी बॉर्डर लाइन बहुत मोटी सी बनाई हुई है हमने और इसको रेड किया हुआ यानी क्राइसिस के अंदर जो कुछ आप काम कर लेते हैं वो आपके लिए बहुत अहम है फिर जब आप अपने आप को बांध लेते हैं कि मुझे ये काम आज के दिन करना है और बाइंडिंग बना लेते हैं कि इसके बगैर मैं उठूंगा नहीं या घर नहीं जाऊंगा तो फिर वो काम हो जाता है सिमिलरली आपका वीक का मामला है वो भी ऐसे ही होता है और आखिरी जो चीज़ है ये जो येलो में बनी हुई है कि नो टाइम लिमिट नो बाउंड्रीज अनलेस प्रेशर इज देयर तो लिहाजा कोई काम को करने के लिए या डिलीवर करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर होना जरूरी है अब आप आइए आगे एक और एग्जाम्पल फर्ज करें कि आपको दफ्तर में है और आपको ये कहा जाता है कि आप कल सुबह की फ्लाइट से यहाँ चले जाएं। ज्यादा पासपोर्ट और वीजा का मामला नहीं है सिर्फ जाने का मामला है अब आप शाम को घर पहुंच के जिस तेजी के साथ अपने कामों को करेंगे यानी आप ग्रोसरी भी ले आएंगे आप बैंक से पैसे भी निकलवा लेंगे आप बहुत सारे काम करके घर वालों को दे देंगे जिस काम को करने के लिए आपको घर में दबाव डाला जाता था और आप करते नहीं थे वो सफर के प्रेशर की वजह से आप फौरन कर लेते हैं इसी अंदाज़ से अगर आप ये तसवर करें कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और फिर आप फहरिस्त बनाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी तेज़ी के साथ अहम कामों को करते हैं और कम अहम कामों को छोड़ देते हैं ये एक टेंडेंसी है एक मिजाज है इसको समझने की और इसको देखने की कोशिश करें और मैं टाइम जो है उसको कहता हूँ कि वो एप्रीविएशन है टुडे इज माई एंड टी आई एम ई तो अगर आप ये तस्वुर करें और मोमिन के लिए तो ये तस्वर करना है भी ज़रूरी इसके लिए कल का तो पता ही नहीं है ना तो प्लीज इसको गौर करें इस पर कुछ आप बोलें भी एक प्रेजेंटेशन में मैंने लोगों को केक बड़े वाले केक मंगवा कर दिए पांच पांच के ग्रुप थे और इससे पहले शायद पेंसिलें और स्केल स्टील के स्केल भी हमने टेबलों पर रख दिए थे इनके ग्रुप के अंदर और फिर हमने केक बीच में रखे पूरे और हमने लोगों से कहा कि आप इस केक को खाएं अब लोगों ने केक को बीच में रखा और राउंड टेबल के वो ऐसे एक को मुंह में डाल के खाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ एक ग्रुप ने यह किया कि जो वो स्टील का स्केल था उसे केक के पीस किए और हर एक को बांट के खा लिए दोनों में बड़ा फर्क है काम के टुकड़े करके सब टास्क बनाकर करने की कोशिश कीजिए काम आपके लिए आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह अब आइए हम आपके सामने गुफ्तगु करते हैं अहम टॉपिक गोल सेटिंग के हवाले से गोल क्या चीज है आपकी ज़िंदगी के ख्वाब जिसके अंदर टाइम लिमिट है आपके ज़िंदगी के ख्वाब जो टाइम बाउंड है ये ख्वाब जो आप नींद में भी देखते हैं और ये वो ख्वाब हैं जो आप जागते हुए भी देखते हैं आपको नींद इसलिए नहीं आती कि आपको ख्वाब पूरे करने होते हैं इसलिए कि आपने ख्वाब बहुत देखे हुए होते हैं हर इंसान के ख्वाब हैं और ख्वाब एक नमत भी हैं और एक ऐसा सिलसिला है जिसका डेफिनेशन दूसरे लोग बताएंगे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन ख्वाब बहुत अहम है ख्वाब को करने के लिए सिट डाउन एंड स्पेंड योर क्वालिटी टाइम डॉक्यूमेंट योर गोल्स अपने गोल्स को डॉक्यूमेंट करें टेगराइज एंड पुट इन टू टाइम फ्रेम आप कैटेगराइज करें हम आपको आगे बता रहे हैं कि कैसे कैटेगराइज करेंगे और प्रायरिटाइज करें इनकी तरजीहात मुतन करें और तरजीहात मुतन करके फिर फोकस हो जाए फोकस ऐसे ही हो जाए जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं कि आपको इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है अब आप जगह जगह उतरते नहीं है मनाजिर देखने के लिए चाय पीने के लिए नहीं उतरते आप फिर चले जाते हैं इसलिए कि आपको मंजिल पे पहुंचना है आपके गोल्स जो है मेजरेबल होने चाहिए यानी क्वांटिटेटिव होने चाहिए अटेनेबल होने चाहिए यानी आप इसको हासिल कर सकते हो मुमकिनत हो आपके मामलात से और आपके से रिलेवेंट हो, मतलब हो और टाइम बाउंड हो ये एस एम ए आर टी का खुलासा ये है ये हमने चार्ट बना कर दिया है और इनशाला आपको हम जो सेल्फ मैनेजमेंट बुक शेयर करेंगे उसके अंदर ये दिए हुए हैं और काफी तफसील के साथ और कई दिए हुए हैं गोल क्या है आप नाम लिख लें गोल के नीचे ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन क्या है ये क्यों आप लेना चाह रहे हैं टारायोरिटी वाई टू अचीव दोल हम क्यों हासिल करना चाह रहे हैं इसमें चार छने आ जाएंगी इफ अचीव क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवाटेजेस हैं एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या है और आपको करने के लिए एक्शन प्लान क्या करना पड़ रहा है सीरियल नंबर टारगेट और कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ या क्या मुश्किल आते हैं अब इसके अंदर जो चीज़ें एहतियाती हैं वो हैं ये accomplish हैं कि ये इट इज़ डेटेड ड्रीम आइडेंटिफाई देम व्हाट इज इट यू वांट टू कम्पलिश आप क्यों इसको कम्पलिश करना चाह रहे हैं बजहिर आपकी रसाई से दूर हैं लेकिन आप कमिट करें कि मुझे ये हासिल करना है जैसे बच्चों की तालीम बच्चों की पीएचडी, बच्चों की एजुकेशन और उसके लिए फिर आप कुर्बानी भी देते हैं ना हैव ए क्लियर विजन ऑफ दियर अल्टीमेट टारगेट द पर्पज ऑफ ए गोल इज टू स्ट्रेच यू बियॉन्ड वेयर यू आर राइट नो आप जहां हैं उससे आगे अपने आप को खींचने की कोशिश करते हैं आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं टेक देम सीरियसली राइट डाउन द स्टेप्स इट इज लाइक पुलिंग ए पॉप रोप वेन यू कैन नॉट क्लियरली सी वॉट इज ऑन दस्से को खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन कहां तक है उसका आपको नहीं पता लेकिन आपको करना होता है और अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली आप देखते रहें रिव्यू करें इवेलुएट करें और अपनी अकाउंटेबिलिटी करें अब हम आते हैं आपके सामने गुफ्तगु करने के लिए चूंकि आप टीचर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो थोड़ी बहुत मालूम जो हैं वो कहते हैं कि सोते को जगाना आसान है जागते को जगाना मुश्किल है तो हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस का मुआइना कर लें अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने जो है वो पी ओ एल सी बताया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग इजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग अब इसको फिर फर्दर डिफाइन ये किया हुआ है कि जो मैनेजमेंट है उसके दो काम है एक इफेक्टिवनेस दबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड और गुड रिजल्ट यानी इफेक्टिवनेस रिजल्ट जिसकी डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं इफेक्टिवनेस की

जो चार फंक्शन है इस पर हम गुफ्तु कर रहे हैं प्लानिंग सेट ऑब्जेक्टिव एंड स्टेट दिशन एग्जामिन अल्टरनेटिव नीडेड रिसोर्सेस क्रिएट स्ट्रेटीज टू रीच ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से आपको डिजाइन करना है जॉब एंड स्पेसिफाइड टास्क क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर Staff position, coordinate work activities, set policies and procedures, allocate resources, leading gender, lead and motivate employees to accomplish organizational goals, communicate with employees, resolve conflicts, manage change. और कंट्रोलिंग के अंदर आएगा कि मेजर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कंपेयर परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड नेसेसरी एक्शन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ये चीजें टाइम मैनेजमेंट के हवाले से चूंकि टाइम मैनेजमेंट में भी और लाइफ मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और हम आइंदा जो कल गुफ्तु करेंगे उसमें पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जो है वो भी आएगा लिहाजा हमने आपके सामने मैनेजमेंट की डेफिनेशन रख दी अब कुछ इशारात हैं आम तौर से हाउ टू मैनेज अवर टाइम के हवाले से सिर्फ इशारात हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग तरजीहत इनकी मुकर कर लें इनको हासिल करने के लिए प्लानिंग कर लें और फिर प्लान एक्टिविटीज की भी तरजीह कर लें और अपने मौजूदा वक्त का जायजा लें क्या आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप जायजा लें कि वो आप हाई प्रायोरिटी पे कितना कर रहे हैं आपका मोर देन फिफ्टी परसेंट टाइम आपका हाई प्रायोरिटीज पे खर्च होना चाहिए एक और सोर्स से जो चीजें मिली हैं वो ये है कि सेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश क्लियर माइलस्टोन्स

तजुर्बा एक ऐसा उस्ताद है जो सजा पहले देता है और सिखाता बाद में है तो अपने तजुर्बा से और दूसरे तरह के तजुर्बा से लेसन हासिल कीजिए आइडेंटिफाई वॉट यू वॉन्ट टू अचीव ईच डे एंड प्लान योर टाइम बी फोकस्ड बट आल्सो बी फ्लेक्सीबल एंड रियलिस्टिक इतने भी इस टाइम के हवाले से ज़िद्दी न बने कि लोग आपसे नफरत करने लगे एक सिस्टम बनाइए जो आपको सूट कर रहा हो कुछ टाइम अनप्लान टाइम के लिए भी प्लान करें और आपके पास जब भी वक्त आता रहे आप इसको प्लान करने के लिए डिसाइड करने के लिए आपके पास कामों की फहरिस्त हो और आप अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट का ख्याल रखें और कंट्रोल रखें उस घोड़े पर न बैठें जिसकी लगाम आपके हाथ में न हो एक और रिसोर्स से जो चीज़ हमें मिली है आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को देखें हर 40 45 मिनट के बाद छोटा सा ब्रेक लें अपने आप हाँ को ऑर्गेनाइज करें डू वन टास्क एट ंग इंटरप्टेड डेवलप लॉन्ग टर्म गोल्स एक और जगह से हमें यह चीज मिली है सेट ऑब्जेक्टिव टू डू लिस्ट एक्ट रिपीट डेली अब आप एक चीज का ख्याल रखें कि एक इंपॉर्टेंट जो चीज है जो घरेलू जिंदगी के अंदर है वो ये है कि हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर लेकिन क्या वो चीज होनी जरूरी है वो फैसला करना बहुत अहम है एक अप्रोच यह है कि अपने छोटे छोटे कामों को कंसोलिडेट कर लें और एक साथ कर लें जैसे आप ग्रोसरी के लिए लिस्ट बना कर जाते हैं ऐसा नहीं होता कि एक काम के लिए यहां गए फिर वहां गए फिर वहां गए तो फिर एक मुंतशीर शख्सियत अलामत होगी डेलीकेट एंड डेवलप अदर्स डोंट बी परफेक्शनिस्ट अपनी डेस्क को जो है कलेक्टर से बचाइए और वो औरतों से सीखें कि जब खाना ख़त्म हो जाता है तो किचन कैसे साफ हो जाता है आपकी हमारी तबीयत में अगर एल बी डी एन है उसे दूर करने की कोशिश करें लुक बिजी डू नथिंग कई लोगों के अंदर होती हैं कि वो मिस्टर एल बी डी एन होते हैं तो आप देखेंगे कहीं आप तो एल बी डी एन नहीं है या आपके साथ तो लोग एल बी डी एन नहीं है गेट स्टार्ट इमीडिएटली ऑन इम्पोर्टेंट टास्क रिड्यूस मीटिंग टाइम कुछ लोगों को बस होता है कि वो मीटिंगें करते रहे सुबह मीटिंग शाम मीटिंग रोशन तेरा नाम मीटिंग टेक टाइम टू प्लान एंड लर्निंग टू से नो हमारी जुबान में माजरत ये एक मुश्किल काम है अब आप आइए हम गुफ्तु करते हैं कि नॉट टू डू लिस्ट एंड टू डू लिस्ट पर देखे पहला काम आप जो करेंगे ना एक कारोबारी फर्ज की हैसीियत से कि जिन जिन प्रोडक्ट्स पे आपको लॉस हो रहा है उसको आपको खरीद के रखने की क्या जरूरत है अलबत् बात लॉस प्रोडक्ट को इसलिए रखा जाता है कि उसके जरिए से हाई प्रॉफिट चीजें बिक जाती हैं जैसे हर माल सौ रुपए में वाला मामला है या डॉलर शॉप है इस अंदाज की चीजें लेकिन टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हम आपको सात चीज़ें बता रहे हैं जो अहम हैं कि आप अगर ये फैसला कर लें कि भाई ये ये चीज़ें हैं और ये मुमकिन है लॉन्ग टर्म लिस्ट हो जैसे आज सुबह से उठने के बाद मेरा कई बार दिल चाहा कि मैं मोबाइल उठाकर कर साहब का मैसेज देखूं लेकिन मैंने रोक के रखा कि नहीं इसलिए कि मुझे आज आपसे गुफ्तु करनी थी और उससे पहले अमल करना था तो सेटिंग करने के बाद मैंने खोला इसलिए कि मैं हमेशा इनसे लिंक मांगता हूँ फिर वो लिंक को अपने लैपटॉप के जरिए से जोड़ता हूँ तो आज का मेरा नॉट टू डू था व्हाट्सएप को नहीं देखना और ये कंट्रोल करना जरूरी है अब आप आइए वो लिस्ट क्या है अनलेस ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स आर कम्प्लीटेड दिस आइटम विल नॉट बी डन

टू कीप हैप्पी अदर पीपल एट अवर लॉस वो काम भी नहीं करने जो मेरे नुकसान पे दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हो या दूसरों को खुश किया जा रहा हो कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी दुनिया और अपनी आखिरत खराब करते हैं तो यहां तो आपको मफाद परस बनने की जरूरत है खुदगर्ज बनने में कोई हर्ज नहीं हैिविंग यू कु डू दे ऐसे होते हैं जो खुद काम कर सकते हैं लेकिन आपके ऊपर थोप देते हैं और खुद वो अपने बिजनेसिस कर रहे होते हैं दफ, दफ्तर के अवकात के अंदर और आप पे काम थोप पे जाते हैं जबकि आप इनके पैरेल होते हैं और वह अननेसेसरी डिमांड होती हैं कुछ काम ऐसे हैं जो here ना इधर गुड हेयर नॉ और हेयर आफ्टर न दुनिया में बेहतर है ना आखिरत में बेहतर है जैसे आप पॉलिटिकल इन्वामेंट में जो है गलत काम करके गलत साइन करके दबाव में आकर कर देते हैं फिर वो पॉलिटिकल तो अपने घर पे रहते हैं अपने महलों में रहते हैं और आप लोग जो हैं जेलों में ज़िंदगी गुजारते हैं और आपके बच्चे जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं तो हराम से बचें और हराम की मावन से भी बचें और इफ़ We don't do no harm. वो काम जो अगर हम नहीं करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा तो वो भी not to do list में आने चाहिए जब ये लिस्ट आप बना लें तो फिर आप आइए टू डू लिस्ट की तरफ रिमेम्बर टू कैरी आउट ऑल इंपॉर्टेंट टास्क देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुमाल पर गांड बांध लिया करते थे और एक और जगह ऐसी चीज किसी और फॉर्म के अंदर है ये मैंने जवाहर हदीस अहदीस नाम की किताब में पढ़ा है ये वाला फोकस ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क एंड पुश डाउन ट्रेवल टास्क यू मैनेज डिलीट फ्रॉम लिस्ट एंड नॉट स्ट्रेस विद द common qualities of to do list it is physical action it can be accomplished at a sitting it supports valuable progress toward a recognized goal it's something for which you are the most appropriate person for the job यानी आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद हो कि आप खुद काम कर सकें ये फैसला कर सकें कि आप अपनी टीम से काम ले सकें और ये फैसला कर सके आप अपनी टीम के लोगों को डेलीगेट कर सकें हाउ टू प्रीपेयर ए टू डू लिस्ट चूज राइट मीडियम के भाई क्या तरीका है मीडियम के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है हम आपको बता देते हैं मेक इट विजिबल एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू सरकार में आपने देखा होगा कि आपका सेक्रेटरी जो है एक फ्रेम के अंदर लगा कर दे देता है वो विजिबल होती है कि आपको ये काम करना है कई लोग डायरीज के अंदर करते हैं और अब तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर और वर्चुअल चीजें हैं स्टार्ट द डे विद यू टू डू लिस्ट आपके पास जो टू डू लिस्ट है उसको करने की कोशिश करें कुछ लोग सुबह उठ के बनाते हैं कुछ लोग शाम को बनाकर जाते हैं मेरी तरजीह यह है कि शाम को दफ्तर से उठने से पहले या रात को सोने से पेश आप कल के कामों की फहरिस्त बना लें और फिर अल्लाह पे भरोसा करते हुए आपने इसका फॉर्म भी आपको प्रोवाइड कर दिया है सेल्फ मैनेजमेंट बुक के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको प्रायरिटाइ एंड कैटेगराइज एंड कीप द इम्पोर्टेंट टास्क एट द टॉप इसको करने के लिए आप चाहें तो अपनी सेल्फ मैनेजमेंट बुक यूज़ कर लें जो हमने आपसे जिक्र किया है रियलिस्टिक और डुएबल जॉब की बनाए कामों के दौरान ब्रेक ब्रेक लें एट द डे एंड अगर जो अनकम्प्लीटेड जॉब रह गए हैं उसको आप सेकेंड डे ले जाए कामों के अंदर ए बी सी डी कर लें ए मस्ट डू बी शुड डू सी do. डू मे डू जो है मुमकिन है कल के लिए मस्ट या शुड में आ जाए फिज़िकल और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स में आउटलुक भी है एप्पल के अंदर भी है सैमसंग के अंदर भी है टू डू एप्लीकेशंस कई फ्री में डाउनलोडेबल हैं टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन है कन्वेंशनल डायरी है और माई पर्सनल प्लानर जो है वो भी एक किताब है अब मजीद इसको किसी और अंदाज से समझाने की कोशिश कर रही है कि वाट मस्ट बी डन हाउ इट बी डन वाउल इट इज हाउ मच टाइम विल इट टेक वॉट इज द डेड लाइन वेन विल आई लिव वर्क टूडे टू विद माई फैमिली आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकूंगा या नहीं ये आपका एक डे प्लानर की टेम्पलेट आपके सामने दी गई है ऊपर से नीचे एक से दस और फिर ग्यारह से बीस अगली शीट के अंदर दिया है कि आज के दिन आपको ये काम करना है प्रायोरिटी ए बी सी हो सकती है इसको आप एक कॉलम भी बना सकते हैं उसमें ए बी सी कर सकते हैं लेकिन ये तीन कॉलम बनाने की जरूरत यह है कि ए आपकी एक नजर में फौरन आ जाए और फिर आप अपने टाइम को जो है ना वो ब्लॉक की सूरत में करने की कोशिश करें ग्यारह ग्यारह से, नो, नो ग्यारा, ग्यारा से एक, एक से दो लंच और नमाज दो से चार चार से छ से दस तो ये आपकी एक टेम्पलेट है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की आ, इसको आप जो हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ भी एडजस्ट करना चाहें इस अप्रोच के साथ अपने दिनों को एलोकेट कर लें या आप एक्सेल की शीट बना लें या वर्ड की शीट बना लें या गूगल की शीट यूज कर लें या आपका दे इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है माई डे प्लानर कैटेगरी प्रायोरिटी एंड डेलीगेटेड बाकी सब चीजें अलग अलग हैं पहले में किया गया था एबीसीडी किया गया था यहां पर उन्हीं तीन कॉलम को इकोनमाइज किया गया है कैटेगरी लिख दी यानी पर्सनल फैमिली इकोनॉमिक प्रायोरिटी लिख दी डेलीगेटेड टू लिख दिया ये ज्यादा कारामद है सुपीरियर पीपल के लिए जो मैनेज कर रहे हैं ये एक से दस तक था ग्यारह से बीस तक हो गया ये एक ये कि आप कुछ अरसे तक अपना ये टाइम टेबल बनाइए और फिर ऑटोमेटिकली अमल हो जाएगा एक्टिविटी एरिया क्या ये रूटीन की है ये काम आपको मंडे को करना है ये करना है ये करना है अब जैसे ग्रॉसरी आपको जो है वो सैटरडे को करनी है और रिश्तेदारों से मिलना जो है वो सैटरडे आफ्टरनून में है और संडे के दिन जो है अपने दोस्तों की फैमिली टूगेदर किसी पार्क में करनी है ताकि हमारा फैमिली इंटेग्रेशन हो और हमें जो है किसी फॉरेन ब्रांडेड जो है फूड स्टोर पे जाने की बजाय हर एक अपने अपने घर से बना कर ले आए और बच्चों के जरिए से हम वहाँ पर बच्चों को ट्रेन करें कि आप जो हैं हमें अपनी कोई ब्रांड बना कर हमें बर्गर बेचें और आप एक कूपन के तौर से वहाँ करंसी ईजाद कर सकते हैं और कर सकते हैं तो बहुत अच्छा मशगला हो सकता है फैमिली इंटेग्रेशन के लिए ये एक ब्लॉक टाइम का शेडूल बनाया है कि ब्लॉक ए टू जे है टाइम जो है पाँच से सात और रात को दस से ग्यारह है और उसके अंदर आप ब्लॉक एक्टिविटीज कैसे करेंगे आप वन टू लिख लें या इसके अंदर आप वो एक्टिविटी लिख लें ये आपके आप आपको कंट्रोल करने और आपको मैनेज करने का एक अच्छा सा टाइम टेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं यही ब्लॉक टाइम की एक और सूरत है कि एक्टिविटी लिख ली आपने ब्लॉक बना लिया ये लिख लिया और ये हमने सिर्फ येलो दिया है कि ये कौन सा है कि ये आपके ऑफिस आवर्स हैं और उसके अंदर आप जो एक्टिविटीज करना चाहें आप कर सकते हैं लेकिन हम आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड कर रहे हैं इनशाला इसमें हो जाएगा ये आप अपना टाइम की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करें कम से कम तीन हफ्ते के किस एक्टिविटीज पे आपने कितना कितना टाइम लगाया है और इस चीज को याद रखें जो हमने कल भी आपके सामने बताई थी कि मनी तवा मकबूल के वो शख्स तबाह हो गया जिसके दो दिन कार के लिहाज से एक जैसे रहे। रहेम्पलिशमेंट इज ए श्योर लूजर इफ यू आर एज गुड एज यू आर यर स्टडे गुड फोटो अल्लाह आते नफ्सी तकवाहा वक्के खैर उम अंता वली यूहा व मोलाहासलों का मिन फुजात खैरी वी का मिन फुजात

माशाल्लाह आपकी किताबें मैंने पहले भी पढ़ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और अभी भी जो है मौका मौका उससे इस्ता करता रहता हूँ मेरा सवाल ये था कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता हूँ टीचिंग का मेरा मशगला है लेकिन उसमें जो है वो बच्चों की सुपरविजन भी करनी पड़ती है उनकी देखभाल भी करती करना पड़ती मसलन मगरब के बाद है उनको आ, मुताला वगैरह का है या हॉस्टल है तो उसमें जो है वो सुलाने का फिर जगाने का नमाजों की पाबंदी के हवाले से तो अब वैसे तो बुनियादी काम मेरा टीचिंग है लेकिन मेरा बहुत सा वक्त जो है वो सुपरविजन में चला जाता है जिसकी वजह से मुझे दिल में लग रहता है कि मैं इसमें जो है और कोई काम तसनीफी काम कर सकता था लेकिन सुपरविजन की वजह से मैं काम नहीं कर सक रहा हूँ तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए कि जो काम टीचिंग के अलावा मैं जा रहा है उसमें फिर हम क्या जो है वो तरीका अख्तियार करेंगे हमारा टाइम जो है वेस्ट ना और दिल में जो एक तरह की परेशानी होती है उससे हम बच सकें जयल आपका मामला ये था कि अकेडमिक डिस्टर्ब हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से यही है ना जी जी ठीक है अब इसका तरीका तो वही है जो हजरत दाऊद और हजरत मुसाउ का था हजरत मूसा बारह कुंव को एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए यहाँ से वहाँ जा रहे थे तो हजरत दाऊद ने कहा कि तुम एक एक निगरान क्यों नहीं बना लेते अपने सिमिलरली जैसे हम क्लास में मॉनिटर बनाते हैं इसी अंदाज से आप जो हैं हर कमरे के पोर्शन में एक एक मॉनिटर बना दें और फिर आप जो हैं वक्फे वक्फे से जाएं और फिर आप को भी सरप्राइज विजिट कर लें और यह काम आप डेलीगेट करके टीम बनाकर कर सकते हैं हर काम आपको करने की जरूरत नहीं है तरबियत का हिस्सा है देखें इस वक्त मैं जो कर रहा हूं आपके साथ मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो कुछ भी मेरी मालूम है मैं आपको शेयर कर रहा हूं आपको बुक्स भी दे रहा हूँ आपको और चीजें भी कर रहा हूँ और फिर मैं आपसे तो रख रहा हूँ कि आप इस मिशन को लेकर चलेंगे इस के दरमियान और आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो देखा जाए तो मैं ट्रेन द ट्रेनर कर रहा हूँ ना देखा जाए तो सिमिलरली आप अपने इदारे के अंदर जो है मैं हमेशा इस बात की कोशिश करें जो मेरा हमेशा नजरिया रहा कि अगर खुदा ना खास्ता कल में नहीं आ सकता तो क्या मेरा इदार, इदारा इस काबिल है कि चल सके और यही चीज़ मैं नॉर्मली लोगों को बताता हूँ कि क्या आपने अपने नंबर टूज एक से जायद तैयार कर रखे हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में और आपकी अदम हयात की सूरत में आपके काम को कर सकें तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने किसी हद तक आपके सवाल का जवाब दिया है आप गौर करें कागज पेंसिल लें और बनाएं कितने कमरे हैं क्या हैं कितने लोग हैं कौन लोग बन सकते हैं फर्स्ट करें दस कमरे हैं दस मॉनिटर लेने हैं तो इन दस मॉनिटर की ट्रेन करें कि आज से हम इस तरीके से करेंगे और ऐसे करेंगे उन लोगों की राय लें देखें उनकी परफॉर्मेंस और इनके आइडियाज़ आपसे भी अच्छे होंगे इन जैसे मैं आप लोगों से तवों रखता हूं कि कल से जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे और एक साहब ने तो अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन शुरू कर दी थी तो कल से जब आप शुरू करेंगे या आज से शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन तो इन्शाअल्लाह आप मुझसे बेहतर हो जाएंगे मेरा जवाब खत्म हो गया ठीक ज़रा कुछ सलाम अलैक उस्ताद मोहरम डॉक्टर एहसान मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज की प्रेजेंटेशन भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कल से के सेशन से, से, से उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी सिर्फ छोटी सी एक बात अर्ज करनी थी आ, वो ये था कि सर जो आपने लिखा हुआ ना मरीज तोा युमा मकबून इसमें जो इस है इसके साथ जो अली फिल्म रहता है ना वो वो गलत है वो गलत है दूसरा तो ये है कि हदीस की अथेंटिसिटी के हवाले से भी थोड़ा सा भाई इसमें मैंने भी देखा है मेरी चूंकि पी एच डी हदीसिस में है ये हदीस नहीं है ये मुझे जो है मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने कहीं हदीस लिखा है तो वो पुरानी वाली स्लाइड है चल रही है रशीद ने इस पर पूरा फतवा दिया है मुझे इसलिए कि मैंने रशीद में तखिर की थी एक बार और मैंने इसको हदीस किया था तो दो तलब इलम आए थे और उन्होंने इस पर एतराज़ किया फिर जामशीद ने पांच सफ़ाती तहकी मकाना बनाया और उस उसपे मुझे बताया गया उसके बाद से मैं इसको हदीस नहीं कहता और ये ख्वाब की सूरत में कहता हूँ तो आप मैं भी अपने आप को करेक्ट करता हूँ और मेरे ख्याल है कि अगर कहीं हुई है तो लोग भी करेक्ट कर लें इसको हदीस के तौर पर नहीं करें अलबत्त जिस इदारे ने यह क्या हुआ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इस्लामिक थाट उसकी किताब है उसके अंदर उन्होंने दारी का एक हवाला दिया हुआ है लेकिन बेहाल आ, वो हदीस के हवाले से हैं अभी आपको जो मैं किताब दे रहा हूँ इनशाला परसों आपको शेयर कर दी जाएगी आ चुकी है उसके अंदर भी उसमें हदीस लिखा हुआ था तो मैंने करेक्ट करवाया इसको तो ये एक इनहेरिटेड गलती रही है

उसब uh, सबसे पहले तो शिक्रजार हूँ uh, टीम को उस्ताद साहब को बेहतरीन सेहत सलामती वाली लंबी उम्र दे पिछले कई सालों से uh, मुख्तलिफ आपकी किताबें और बशीर जुम्ह साहब की खास तौर पर शाहरा जिंदगी पर कामयाबी का सफर इस बुक से अलहमदुल्ला फ़ायदा हासिल होता रहा अलुदा इंटरनेशनल मुल्तान ब्रांच इंचार्ज के तौर पर काम करने का कुछ पिछले सालों से तजर्बा रहा है एक बोर्डिंग सिस्टम भी है मेरे पास जो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह कल और आज काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें कई हैं आज एक सवाल जहन में आ रहा है जो टाइम मैनेजमेंट और उसके साथ साथ टीम में काम को बांटने के हवाले से है मैं बशीर जुम्हार साहब से ये थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगी कि जब हम किसी को टीम बा... टीम में काम को किसी मेंबर को बांटते हैं और जैसे अभी भी आपने इर्शाद फरमाया कि वो आपसे भी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि काम करने लगते हैं मगर एक चीज़ जो उनकी सारी स्किल को लेके ऐसे लगता है कि उसके असर को ख़त्म करने वाली होती है वो ये कि वो अपने बाकी मेंबरान के लिए उतने इफेक्टिव या उतने मोटिवेटेड पर्सन नहीं साबित होते उनको अप्रीशिएट करने वाले और उन वो अपनी जगह पे स्किल्ड भी होते हैं लेकिन ओवरऑल टीम पे या एनवायरनमेंट पे उनके बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स बाय नेचर या बाय जिसको कहना चाहिए बिहेवियर इस तरह से जारी होते हैं कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस स्टूडेंट्स के और जूनियर्स में लाने का सबब बन रहे होते हैं कौन सा मेरा पॉइंट जो क्वेश्चन का है वो ये है कि कौन सा पॉइंट ऐसा हो कि आप किस पॉइंट पे जाके कि किसी को इसलाह के बाद भी और मोटिवेशन के बाद भी क्या ऐसा पॉइंट हो जहां पे आप जाके ये जज कर पाए कि ये मेंबर अब टीम के लिए जितना इफेक्टिव होना चाहिए उतना नहीं रहा और इसको रिप्लेस कर देना चाहिए किस पॉइंट पे जाके आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। आ, देखें, मैं इस नौबत पे तो नहीं आऊंगा डिसीजन ले जाना चाहिए या इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए इसलिए कि वो तो आखिरी चीज है अव्वल तो ये कि हमें लोगों को चलाना है जी बिल्कुल। और उस चलाने में एक तमाम अंबिया इस्लाम में तीन चीजें कॉमन रही हैं एक अरबी जी दूसरी नफसियात जिन्होंने माहौल और लोगों को जहन के मुताबिक बात की और तीसरी सबने जो है गला बानी की है मवेशी चढ़ाए सही, और मवेशी चढ़ाना जो है और फिर हमें राई की मिसाल भी दी गई है ना बिल्कुल तो वो जो फंक्शन है हाथ में डंडी है और वो नहीं जाने देता और ग्रिप रहता है और बाद उसके हाँ साथ एक जानवर भी होता है खतरनाक वो भी साथ लेकर चल रहा होता है तो ये जो डंडी मारी नहीं जाती डंडी हाथ में रखी जाती है जो चढ़वा है वो अपने जानवरों को डंडी मारता नहीं है वो हिलाता है ठीक है और उनकी आँखों से नज़र आता है कि उसके हाथ में डंडी है हुँ. तो जब हम ये कर रहे होते हैं और लोग इस पे तैयार हो जाते हैं टीम आपकी तैयार हो जाती है तो फिर आप कोशिश ये करें कि अपनी टीम के साथ जो है ना एक प्रोटोकॉल और उसूल और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाएं कल हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे क्योंकि कल हम टीम की बात कर रहे हैं ना इनशाला तो जब आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे लोगों के साथ कि भाई ये, ये परफॉर्मेंस है और आप हर हफ्ते जो है ना एक करें कि हमारे इस वीक के टारगेट ये हैं फर्स्ट करें कि आपका दिन शुरू होता है आ, हफ्ता शुरू होता है पीर से सपोज और सैटरडे से भी हो सकता है तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है उस पे आपकी टीम जो है उसके सामने आप चीजें रख दें कि ये है और थर्ड डे या फोर्थ डे जो है आप एक एवेल्युएशन मीटिंग करें कि आप सब अपनी अपनी प्रोग्रेस बताएं देखें एयर मार्शल नूर खान साहब जो हैं वो बहुत कामयाब एग्जीक्यूटिव रहे पी आई के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत है। से और उनका डिसिप्लिन जो मेरी मालूम थी वो ये थी कि रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे उनके बोर्ड रूम के अंदर तमाम जनरल मैनेजर्स या जो डायरेक्टर्स उस जमाने में जो थे वो हाजिर होते थे और गुज्त रोज की रिपोर्ट और फीडबैक आ जाती थी वो खड़े खड़े और ये दस मिनट से ज्यादा नहीं होती थी इसी अंदाज से कई और पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव गुजरे हैं जिनके बाय इनके स्टाइल की वजह से जो है परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है और एक और एग्जीक्यूटिव आए थे जिनके वजह से कई लोग कार्डियोवेस्कुलर में दाखिल हो गए इसलिए कि हमारे यहाँ ये था कि कर लेंगे हो जाएगा फिक्र नहीं है वो लोगों से बुलाते थे मीटिंग करते थे और काम बताते थे और काम बताने के बाद जो है वो कहते थे कि अच्छा आप कब काम करेंगे सपोज पच्चीस तारीख आज है ना आज कौन सी तारीख है पच्चीस है हाँ पच्चीस तारीख है और आपने ये कहा कि आप कब तक कर देंगे तो वो कहेगा मैं अट्ठाईस को कर दूंगा वो कहेंगे नहीं मैं एक दिन आपको और देता हूँ उनतीस तारीख लिखी और इनिशियल करके दे दी या सामने वाले से भी इनिशियल करा ली और अपनी सेक्रेटरी को दे दी सेक्रेटरी का काम यह था कि 28 की शाम को वो उनको फोन करेगी कि ये आपका काम अभी तक टेबल पे नहीं आया और और जिसके कई कई लोग में दाखिल हो गए लोगों ने जॉब छोड़ दी हुँ. तो अब बात यह आ रही है कि आपकी नरमी आपकी कमजोरी ना हो और आपकी सख्ती आपका जुल्म न हो ये हजरत उमर रजीलो के अकवाल में से कहा जाता है कि एक है मैनेजमेंट का एक उल है या फिर आपका नंबर वन सख्त है तो नंबर टू नर्म हो या वाइस वर्षा हो तो आप इस चीज को देखें कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए लोगों को खुद अपनी प्रोग्रेस को प्रेजेंट करने का मौका दें तो वो प्रेशर और दबाव में आएंगे मेरा जवाब खत्म हुआ सर। जी आयशा आये Um, unchi kare. Alaikum sir. Now can you you can hear me? Yes, yeah. yeah. So my question is, uh, as you said that we should uh, learn how to say no to the people. But my question is, what are the uh, good words and what are the suitable words that we can use? Because there are times when there are someone.

या ये वाला काम करो ये एक जो है सॉफ्ट निगोसिएशन कहलाएगा देखें मना करना हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तोहिन समझी जाती है ठीक है लेकिन लिस्ट को लेकर के आपने ये भी काम दिया हुआ है और मेरे पास ये भी काम है आप मुझे बता दें कि क्या प्रायोरिटी करूं तो इसके बाद जो है आपके हाथ से गेंद निकल जाएगी उनके हाथ में आ जाएगी तो मना करने का मफूम जो है वो है कि आप परसुएट करें करें, करें असर्ट करें कि आप जो है, जो काम देना चाह रहे हैं जो डिलीवर करना चाह रहे हैं उसका फैसला आपसे है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी परफॉर्मेंस मुतासर हो जाए मेरा जवाब खत्म हुआ जी महमूद रहमान साहब जी महमूद रहमान साहब आप अनम्यूट करें अपना सवाल कीजिए इसके बाद रियाज अहमद साहब आप तैयार रहिए अहमद साहब अपना सवाल कीजिए जी कैन यू हियर मी थैंक यू वेरी मच सचन आज ताक बड़ी चीजें समझी मेरा एक सवाल इस हवाले से जुमा साहब से एक तो ये कि हम जब टीम वर्क करते हैं टीम वर्क की दो सूरतें आपके सामने एक ये है कि हम किसी इदारे में हैं जब आप गवर्नमेंट या किसी भी तो उसकी सूरत और होती है आपके तो अथॉरिटी होती है लेकिन जब आप खुद एक टीम बनाते हैं मसलन आपने कोई बुक लिखनी है कोई प्रोजेक्ट करना है तरह की इसमें मैं ये चीजें देख रहा हूं कि वो हम कोलीग्स हैं लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं आ रही और काम का बर्डन बोझ एक बंदे पर ज्यादा पड़ रहा है तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है जिससे हमारे ताल्लुकात भी खराब ना हो और हम काम भी कर लें चार को याद रखें मैं और आप मिलकर किताब लिखना चाह रहे हैं रियाज साहब कैन यू हेयर मी हेलो रियाज साहब जी रियास साहब जवाब नहीं दे रहे आर कोई on? टेक्निकल कोई नजर आ रहा है लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू हो गया है रियास आप इनको आप आवाज दें कि भाई वो जवाब हेलो मसला हुआ है। जी जी कोई मसला हुआ है अब मैं इनको क्या ज... चलें जवाब रिकॉर्ड पे तो आ जाएगा ना जी जी देखें आप चार आर याद रखें फर्स्ट करें मैं आपके साथ एक किताब लिखना चाह रहा हूं तो रोल क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसका रिमोनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और इसका रिवार्ड क्या होगा फर्ज करें कि हम एक मुशतरका किताब लिखना चाह रहे हैं तो ये किताब लोगों के लिए होगी जो छह सवाल है वाट वाई हाउ वेन ये वाली चीजें और इसके बाद जो है आप लिखें कि आपका रोल क्या होगा आप क्या टॉपिक लाएंगे ठीक है इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप डिस्क्राइब करें फिर किताब में जो है पहले नाम क्या आएगा और दूसरा नाम किसका आएगा और इसकी रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी और इसका तकसीम कैसे होगा तो ये चीजें जब लिखी हुई हैं तब तो वो किताब लिखी जाएगी अदरवाइज जो है लोग इस कंफ्यूजन में शिकार होंगे कि यार किताब मुझसे लिख पा रहा है ये शख्स और नाम इसका होगा तो इससे काम नहीं चलता देखें मगरिब में जो है लोग किताबें लिख रहे होते हैं लेकिन कभी मिले मिले हुए नहीं होते जिंदगी के अंदर और इनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं जिसके तहत वो चीज़ें कर लेते हैं दहरे ई मेल के जरिए से तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं तो आपको ये चीज़ें जो कुरान हकीम के हैं कि जो इकोनॉमिक चीजें हैं उसके अंदर लिख लेना चाहिए और जो माईदाह करें वो दोस्ती के बावजूद अजनबी की حیثیت से करें तो ज्यादा बेहतर है बल्कि करना ही अजनबी की حیثیت से है आगे जी जिम्मल साहब अनम्यूट करवाएं ना जी जी जिम्मल साहब आपको अनम्यूट का आ... अनिया इसके बाद 30 साहब होंगे जिमल जी 30 साहब आप करें अस्सलाम वालेकुम मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही जी बोले आप आवाज थोड़ी कट रही थी आप बोले अस्सलाम हेलो जी जी बोले आवाज़ सही है अभी जी जी सही है आप बोले अच्छा आ, मेरा नाम इदरीस है मैं में रहता हूं। आ, कुछ सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बो, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने से, आ, आ, मेरे दो तो तीन छोटे क्वेश्चन है जिससे चाहता हूँ मैं कुछ तकरीबन दो तीन सालों से टीचिंग करता आ रहा हूँ और मैंने मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया है तो एक सवाल यह है कि इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत वास्ट है तो जब भी मुझे एक ऐसा एहसास अक्सर पैदा होता है कि नहीं ये जो है आप नहीं कर सकते लिटरेचर बहुत बड़ा वास्ट है आप इसमें इतना कमांड नहीं हासिल कर सकते ये जो है बहुत मुश्किल है इसको छोड़ना चाहिए कोई दूसरा काम भी हो एक ये जेन में आता है अपने आप को मतलब किसी चीज के एलिजिबल नहीं चेहरा सा और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब क्लास में हम लोग होते हैं वैसे फॉरेन कंट्रीज में तो ये चीज़ बैंड है कि आप बच्चों को नहीं मार सकते फिजिकली फिर पनिशमेंट दूसरे तरीके से आप दे सकते हैं पाकिस्तान में तो इस तरह है कि अभी बड़े स्कूलों आपका कनेक्शन ठीक नहीं है हम अगले उसकी तरफ जाते हैं अच्छा आप तो लोगों को एहसान साहब एहसान साहब आप लोगों को ये बता दें कि जब वो प्रोग्राम में शरीक हों या सवाल जवाब कर रहे हों तो अपने पूरे बाकी डिवाइसेस का इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें ताकि यहाँ पर कैपेसिटी ज्यादा आता है ना जी 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 साहिर अयूब साहब जी आप नेट कनेक्शन का भी जरा ध्यान रखिए तायर अयूब साहब अनम्यूट करें अपने आप को इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद उमर रियाज साहब नजर आ रहे हैं जी वाले ताहिर अयूब बात कर रहा हूँ कराची से बशीर जुमा साहब बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ दरादी उम्र अता फरमाए आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए आप जो है वो बहुत मुफीद प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं और लेक्चर दे रहे हैं जराकमल्ला सर पूछना ये है मैं एक सरकारी इदारे में हूँ और मेरा तजर्बा ये है कि उसे छुट्टी मिली जिसने सबक याद किया कि सरकारी इदारे में जो शख्स कोई विलिंगली अपनी मर्जी से चाहते हुए ख़ुद को पेश करे किसी काम के लिए कि ठीक है ये मैं कर दूंगा तो आम तौर पे जो मेरा मुशाह है वो ये है कि उसके ऊपर मजीद काम लाद दिया जाता है दूसरों के काम भी उसके जिम्मे लगा दिए जाते हैं कि ठीक है ये कर लेगा और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक दफा कह कहते थे ये नहीं मुझे नहीं आता मैं नहीं कर सकता तो उनकी जान छूट जाती है तो इस हम भी इसी मसले से दो चार हैं तो इसको कैसे मैनेज किया जाए देखें बात तो यह है कि मकतब का तमाशा जब देखा छुट्टी उसे नहीं मिली जिसने सबक याद किया सरकारी इदारों में नहीं बल्कि इसके हटते भी काम होता है कि जो काम करके डिलीवर करता है उसे काम ज़्यादा दिया जाता है और मेरा ये ख़्याल है कि इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए आप लोग इस तरीके से करने की कोशिश करें कि क्या आप काम का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और आपकी सैलरी वो ऐसे मैच होती है इस अंदाज से ठीक है और इसमें अगर कहीं फर्क आ रहा है तो फिर आप देखते हैं फिर आप अपने बॉस से बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी एक रिलेशनशिप डेवलप कर लें कि वो आपकी इन चीज़ों को रिकगनाइज करके आपको आपकी क्या है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ए या जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो जाए सरकारी इधारों में तो यहीं तक हो सकता है प्राइवेट इदारों के अंदर आपको जो है सूरत हाल डिफरेंट हो सकती है और अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हो सकती हैं लेकिन आप हमेशा ये देखें कि कहीं आप अंडर परफॉर्म न कर रहे हो बाज़ात हमें इल्यूजन होता है कि हम ही काम ज़्यादा कर रहे हैं यकीनन हम दूसरे लोगों के मुकाबले में काम ज्यादा कर रहे होते हैं दूसरे लोग काम चोरी कर रहे होते हैं खयानत कर रहे होते हैं लेकिन आप ये देखें कि आप जो ये स्टैंडर्ड है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेमोनिशन का इसके मुताबिक एडजस्टेड हैं या नहीं है अगर आपकी परफॉर्मेंस कम है तो फिर आप भी खयानत का शिकार हैं और अगर आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो कुछ अरसें करने के बाद आपको जो है तजुर्बे और परफॉर्मेंस के लिहाज से इनामात जो हैं वो मरई और गैर मरई दोनों मिल सकते हैं फिजिकल एंड नॉन फिज़िकल तो लिहाजा अपने आप को इससे निकालें हमने भी जो है देखा है कि कई लोग जो हैं वो आठ घंटे के बजाय बारह घंटे काम करके डिलीवर किए हैं और तरक्की पाई है इन्होंने और एक वक्त आता भी है कि आपको फिर अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है कि आप किसी नए बिजनेस के अंदर आ जाते हैं उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मेरा जवाब खत्म हुआ जी मोहम्मद करें अपने वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा सर बड़ी अच्छी वर्कशॉप है आपकी और प्रोफेसर जुमा साहब बहुत सीखने का मौका मिल रहा है और वीडियो में देख रहा हूं कि जो कंटम्प्रेरी इश्यूज हैं हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और आगे फॉरवर्ड करते हैं मेरा एक क्वेश्चन पाकिस्तान के सुनलियों के हवाले से है आ, जब हम मुख्तलिस्टिट्यूशन में चाहे सरकारी हैं गैर सरकारी हैं मुख्तलिफ मुख्तलि फटैस मुख्तलिफ मुख्तलिशन के साथ वहाँ पे हम करिकुलम के हवाले से जब रिफॉर्म्स की बात करते हैं बस मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है आ, अगर मैंने समझा कि यार ये चीज स्टूडेंट्स को आ, चाहिए ज़रूरत है इसकी आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जाम्पल फाइनालिटी तो उस पर अगर हम आउटलाइन बनाते हैं देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ती हैं आ, ये देखा जाता है कि शायद ये कोई फैनेटिक है या एक्सट्रीमिस्ट हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को आ, उनकी कोचिंग के हवाले से फिर एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स जब हम क्लास में जाते हैं बिलीव मी जब मैंने कई दफ़ा पूछा सील ऑफ प्रॉफिट्स के ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को तो उनको नहीं पता होता तो ये जो गैप है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करना चाहिए किस तरीके से कि हम आ, इस्लाम की जो बेसिक आइडियोलॉजी है तो बेसिक है, फिलॉसफी है से है, से, रिलेटेड उसको इंडक्ट करवाएं। आ, उमर साहब मेरा यह ख्याल है कि, आई थिंक इमाम गजाली का कॉल है कि सुधर जाओ वरना जमाना तुम्हें सुधार देगा ठीक है इसी अंदाज से आपने कोशिश की लोग नहीं माने आपकी दाढ़ी को देखकर आपकी टोपी को देखकर आपको फैनेटिक और तालिबान कह दिया गया यकीनन उनका राइट है उनको कहने का राइट है लेकिन अब हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं और जिस पर हम कल गुफ्तु करेंगे और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो जब कोरोना शुरू हुआ था लास्ट ईयर 2020 में फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर उस वक्त मैंने छह वीडियोस रिकॉर्ड कराई थी बशीर जुम्मा कोरोना के नाम से आप देखें और उसको अंदाजा हो जाएगा क्या है कल मैं उसमें से एक वीडियोस के जो पॉइंट्स हैं वो कल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और जो रिसर्च हुई है मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर एहसान मुझे याद दिला दें तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा आइंदा जो है सिलेबस जो है वो वो नहीं होगा जो हमारी अथॉरिटीज तैयार करती हैं आइंदा सिलेबस स्टूडेंट्स खुद तैयार करेंगे और आपका अपना एक चैनल होगा मोहम्मद उमेर रियाज अब्बासी नाम से और उस चैनल पे आपकी एक्सपर्ट नॉलेज की वजह से लोग आएंगे और देखेंगे और आपकी अपनी एक वर्चुअल क्लास होगी और आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी आप अपनी ज़्यादात के अंदर होंगे जो हालात बता रहे हैं इसलिए कि जो चीज़ें पंद्रह बीस साल बाद होने के प्लान थे वो कोविड की वजह से वो वो पीरियड बीच में से निकल गया वो इंतज़ार का और हम बहुत जल्दी आगे पहुंच गए हैं उससे जाहिर डिस्ट्रप्शन हुआ है तबाहियां हुई हैं और कई लोग बने भी हैं तो आप बेफिक्र रहें कल की प्रेजेंटेशन में जो पोस्ट कोविड नाइन्टीन रेमिफिकेशन पे बात करेंगे और जो आपको इशारा बताएंगे उस वक्त ये वाला सिलेबस जो है अब बुफे की सूरत में आ जाएगा बुफे में तो सब चीजें सामने होती हैं ना और आपके पास मीनू लिस्ट होती है तो उस पर अला करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स जो है ना वो चीजें बताएंगे अब आपके ऊपर है बीइंग चैनल ऑनर आप किस तरीके से लोगों को बताएंगे और समझाएंगे और मैसेज देते रहेंगे और इस बात का कामकान है कि ये फिजिकल इन्वास और और एंड ये मीटिंग कर रहे हैं ये वाली जो हमारे पास यहाँ पर है क्या ये मुमकिन थी आज से दो साल पहले आपने कभी सोचा था कि ऐसे किस्म की मीटिंग कर सकेंगे और 400 या छः लोग शरीक होंगे नहीं था न तो आपको एक बहुत बड़े एडवांटेजेस मिल रहे हैं जिसको आपको देखना होगा कि अब जो कुछ चीजें कन्वर्ट हो रही हैं वो एक डिफरेंट स्टाइल के अंदर आ रही हैं तो आप बेफिक्र रहें अपने बॉसेस की तरफ से आप अपने आप को एनर्जाइज करें अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपने टेक्निकल कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं और खुद आप अपना एक नाम अल्लाह की रजा के लिए पैदा करें कि लोग फिर आपकी बात सुने जैसे एक दौर के अंदर था ना कि लोग तालीम हासिल करने के लिए पांच हजार पांच सौ मील सफर करते थे घोड़े पर जानवरों पर बैठ के पैदल चल के सफर करते थे और आलिम के पास जाते थे अब वही आलिम जो है आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा या अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और लोग उसके पास जाया करेंगे सिर्फ टाइम कम हो गया और टाइम कम कैसे होता है कि हजरतम की उम्र नौ साल थी और हमारे यहाँ साठ साल हो गई है तो वो टाइम कम हो जाएगा लेकिन इंसान और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट एक जैसी रहेंगी तो अल्लाह ताला जो है वो चीजों को अपने तरीके से बैलेंस कर रहा होता है, इंसानों के लिए उनके लिए आसानी कर रही होती है मैं आपके जवाब को आपको जवाब दे सका हूँ नहीं जी जी जी, जी बिल्कुल थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया राबिया असल वरह वरक सर मेरा दो तीन सवाल हैं मैंने चैट में भी शेयर किए हैं कि बास इदारे ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जो सरबरा होते हैं उनकी आदत होती है कि वो इस चीज़ को गुड मैनेजमेंट में काउंट करते हैं कि चंद अफराद की ऐसी ड्यूटी लगा देते हैं कि जो इधर की उधर लगाते हैं चोरियाँ शिकायतें या इस तरह आ, किसी के मतलब आ, रिपोर्ट इस तरह देते हैं तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि सरबराज जो होते हैं टोटली उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ही फिर असेसमेंट करते हैं अब रिपोर्टर ने जिस टाइप की भी रिपोर्ट दी आ, अच्छी भी दी या बुरी दी या कोई गलत बयानी भी हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि इससे दूसरे की परफॉर्मेंस पे भी असर हो रहा होता है उनके एसीआर भी खराब हो रहे होते हैं तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि और सरबरा फिर ये भी कहते हैं कि हम हम बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं और हमने हर चीज पर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है और वो चेक एंड बैलेंस जस्ट किसी की सुनी सुनाई बात पर ही होता है तो इस चीज़ को कैसे हम मैनेज कर सकेंगे किसी भी इदारे में और दूसरा क्वेश्चन ये है कि टीम वर्क में ए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी सूरत ताउन नहीं कर, करना नहीं चाहते हैं और कॉपरेशन नहीं करते हैं और टीम के बाकी ने अगर काम किया हुआ होता है तो उस काम को भी खराब करने की कोशिश करते हैं उनकी तो कोशिश होती है कि उस काम को आ, होने ना दें या अगर हो भी जाए तो खराब हो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा इस बारे में आपकी रहनुमाई दरकार है जहाँ तक पहला सवाल मामला है वो ये कि ये इस किस्म के जो लोग होते हैं सर सरकार में नहीं होते आम... कमर्शियल इदारों में जहाँ सेट डोमिनेटेड इदारे होते हैं कारोबार होते हैं वहाँ पर भी होते हैं लेकिन वो बंदे अपनी हुकूमत और राजधानी के लिए ये चीज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर जो आप चीज़ बता रही हैं कि वो जो बॉसेस हैं वो खुद एक क्लस्टर बनाते हैं क्लस्टर ऑफ कॉन्सप्रेसिस जिसके ज़रिए से वो लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं नेगेटिव अंदाज पे जैसे एक शंशाह या बादशाह जो है वो लोगों को मनफी पॉइंट्स पे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि भाई हाँ ये चीज है तो ये वाला जो सिलसिला है वो इदारे का अपना मसला है लीडरशिप का मसला है और इस किस्म के कि जो लोग हैं ना खुद आगे बढ़ते हैं ना किसी को आगे बढ़ने देते हैं बल्कि अपनी जो डोमेन है उसके अंदर वो हावी रहते हैं उसी के अंदर वो करने की कोशिश करते हैं तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर तो यही है कि आप अपनी इतनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करें और आगे बढ़ें और अगर आपको मौका मिले तो फिर आप जो हैं अच्छी जॉब इससे बेहतर जॉब अगर आपको मिले तो वहाँ चले जाएं आप अपने बॉसिस को तो ठीक नहीं कर सकते इसलिए कि इसके दरमियान बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर वो बॉसिस के साथ अफसरान के साथ घंटों बैठे रहते हैं रात को महफिले कर रहे होते हैं और आप ख़वा के तौर पर तो जाहिर है ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते बाज़ मर्द भी इसको अवॉइड करते हैं तो बेहतर यही है कि आप जो हैं इतनी तैयारी कर लें नॉलेज वाइज और एक्सपर्टीज वाइज कि फिर आपको उस इजारे से हिजरत करके तरक्की करने का मौका मिल सके पहली चीज हो गई दूसरी जो है वो मीटिंग्स का मामला है टीम्स का मामला है, टीम के मामले में उमूमन यही होता है कि फर्ज करें कि आप एक टेबल को जो है उठा कर लेकर जाते हैं उसको सीढ़ी से चढ़ना है या उतरना है ठीक है तो आप अगर उतर रहे होते हैं तो नीचे वाले पे बहुत ज्यादा आता है और अगर आप चढ़ रहे होते हैं तब भी जो है बो जाता है एक पे कम और एक पे ज्यादा आता है अब ऐसी के अंदर अगर आप सीढ़ी पर हैं तो एक पे ज्यादा आ जाएगा एक पे कम आ जाएगा लेकिन आप लेवल पर हैं तो दोनों को साथ उठाने की जरूरत पड़ती है लेकिन कुछ चीजें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ जानबूझ के थक जाते हैं ना आपके जो है वो टेबल को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की हेल्प करते हैं ना खुद करते हैं तो ऐसे लोग जो हैं आप ये समझ लें कि अगर ऐसे लोगों के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता और आपके लिए मुश्किल है तो मैं जॉब को तब्दील करने का आप सोचें और प्लानिंग करें और तैयारी करें तो तो आसानी हो जाएगी जॉब छोड़ने की भी बात नहीं कर रहा आप बेटर अपॉर्चुनिटीज की कोशिश करें इसलिए कि सरकार में रहते हुए जो है ना बहुत मुश्किल होगा इन चीजों के और लोगों के मिजाज को बहुत मुश्किल होता है लोगों का मिजाज बहुत मुश्किल होता है बहन मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अपनी एक्सपर्टीज को नॉलेज को तजरबे को अपने एक्सपोजर को इतना बढ़ाएं कि आपको इससे अच्छी जॉब मिल जाए मैं मेरा जवाब मुकम्मल हुआ लेकिन आप इस पर कोई जवाब देना चाहें तो मुझे बता दें जी आगे बढ़ते हैं साजिद मलिक साहब वालेकुम सर आवाज आ रही है मेरी जी आ रही है uh, सर मैं uh, uh, कल का लेक्चर तो नहीं सुन सका अगर उसमें ये डिस्कस हो गया हो तो मैं उसकी इंशाल्लाह यूट्यूब पे वीडियो देख लूंगा मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्क फ्रॉम होम के वाले से जो आजकल एक सिनेरियो चल रहा है उसमें टाइम को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा, जा सकता है क्योंकि आपको पता है बहुत सारी होती हैं और वो माहौल भी नहीं होता और उस सिलसिले में अगर आप कोई कर म, मुझसे किसी ने जूम पे कॉन्फ्रेंस की थी मिडिल और यही सवाल पूछा था उसने अपने लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कि वो मिनट मिनट का हिसाब रख रहा था कि मैंने क्या तो वो कह रहा था कि मेरे आठ घंटे की बजाय उमूमन तेरह घंटे का टाइम लग जाता है चीज़ों को करने के लिए देखें वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक हद तक तो नेमत है और रहमत है और उसकी कुछ मुश्किलात भी हैं मुश्किल ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो इंटरेक्शन होते थे और जो लर्निंग प्रोसेस था वो खत्म हो गया है ठीक है आपके प्रोमोशन और चीजें जो हैं उनके अब नए क्राइटेरिया हो जाएंगे अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो है वर्क की डेफिनेशन भी अब चेंज हो जाएगी और फिर जो है मैंने जो अपनी छह वीडियोस का जो जिक्र किया है उसमें यहाँ पर भी मेंशन किया था कि अब जो होगा कि आपकी आबादियां जो है वो वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल फैलेंगी या इंटरनेट होगा आप दस पचास किलोमीटर दूर भी चले जाएंगे रहने के लिए इसलिए कि आपको बच्चों को भी यहाँ पढ़ाना है खुद में जिस इलाके में रहा था गुजशतर दिनों टोरंटो के अंदर अब मैं मोंट्रियाल में हूँ तो वहां पर भी देखा कि नई नई आबादियां जो है वो बसी हैं और हॉरीजेंटली फैली हैं इसलिए कि उस वक्त लिफ्ट में इंतजार करना पड़ता था अगर अड़तीस मंजिला बिल्डिंग है और हर लिफ्ट में दो लोग आ सकते थे तो लोगों ने ये चीजें कें अब आपका जो सवाल है कि वर्क फ्रॉम होम के अंदर जो है ना वो चीज़ें हैं कि क्या वर्क फ्रॉम होम के अंदर आपको ऑफिस आवर्स की पाबंदी है या नहीं है अगर ऑफिस आवर्स की पाबंदी है कि आपको नौ से लेकर पांच बजे तक ऑनलाइन रहना है तो, तो फिर आप घर के अंदर भी जो है दफ्तर चला ही रहें लेकिन आपका मामला ये है कि आपको वर्क फ्रॉम होम में ये चीज़ें करनी है इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम स्लॉट्स और इस वक्त तक करके देना है तब आपके साथ इंडिपेंडेंस है अब दोनों सूरतों के अंदर यह है कि यहाँ पर वो मामला आ रहा है जो पाकिस्तान में एक दौर में रहा है सोलहवीं तरमीम से पहले सदर और वजीर -आजम वाला मामला ज़ाहिर आप घर के अंदर सदर हैं और आपकी अहलिया वजीर अजम है तो इख्तियार तकसीम और मामला जो हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं तो वो वहाँ पर एक बैलेंस करने की ज़रूरत है कि घर के अंदर एक ऐसा माहौल हो जाए जिसमें आप एक कोने पर बैठ के अपने लैपटॉप और इंटरनेट के ज़रिए से सर्विस करें और वो बच्चों को संभाल लें फिर दो या तीन घंटे जो हैं आप संभालें ताकि वो खाना वगैरह पका लें और ये चीज़ें कर लें इसलिए कि बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे जो पिछले दिनों हुआ था लेकिन अगर कोविड नाइन्टीन की वजह से यही माहौल रहा तो फिर आप याद रखें कि जो हम कल बताएंगे कि नई स्कूलें कैसी बनेंगी और नए एजुकेशन सेंटर कैसे बनेंगे और नए एजुकेशन बिजनेस कैसे होंगे उस पर हम कल गुफ्तु करेंगे तो उसके हवाले से हैं बेहाल हम कल दो चैप्टर्स हैं उस पर जो है वर्चुअल मीटिंग्स के हवाले से और वर्क फ्रॉम होम के हवाले से दो प्रजेंटेशन है वो भी हमने कहीं से एक्सट्रैक्ट की हैं प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे लेकिन इसमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है आप बिल्कुल दफ्तर का माहौल बनाकर दफ्तर का मूड बनाकर जैसे दफ्तर जाते हैं वैसे जाइए आप उसी अंदाजे डायरी मेंटेन कीजिए अगर आपने अपने आप को इजी ड्रेस में रखा और नाइट ड्रेस के अंदर रखा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कम होगी यू हैव टू बी इन ऑफिस अटायर और आपको घर के अंदर जो है ना अपनी वजीर आजम से टकराव नहीं लेना ये ख्याल रखें मैं कुछ जो है सादे अल्फाज में बहुत कुछ कह गया हूँ आपको मैं माजत खाऊं लेकिन इम्पोर्टेंट है ये जी आखिरी सवाल हम लेंगे बाकी दोस्तों से माजरत टाइम बहुत हो गया है मामूद साहब का क्वेश्चन भी ड्रॉप हुआ था इदरीस भाई आपका भी ड्रॉप हुआ लेकिन अगले में देख लिया अनम्यूट करें मामूद साहब अपने आप को आखिरी सवाल है हमारा जी वालेकुम मैं I... गुजश्ता दो दहाइयों से फॉलो कर रहा हूँ आपकी बुक भी और अपना आप वीडियोस और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैंने इससे सीखा भी है मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और साथ पार्ट टाइम की ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ सोशल वर्क भी करता हूँ और जो पाकिस्तान में रिबा नहीं होना चाहिए तो ये केस भी मैंने जीता है शरीक कोर्ट से तो अभी इस हवाले से जो सब्जेक्ट है इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी और एक्सप्लेनेबल है एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन के कामों को जो हम वखर कर देते हैं उस सिलसिले में थोड़ी तफसील की ज़रूरत है और इसमें इसी टॉपिक में एक और चीज़ आती है क्लीन द क्लटर के आप जो है चीज़ों से को से जो फ़ालतू हैं उनसे निजात हासिल करें अपनी लाइब्रेरी में जो फ़ालतू बुक्स हैं वो लोगों को दे दें वार्ड रूम में जाएं जो फालतू कपड़े हैं किसी को दे दें आप अपने मेज की खोल खोलें जो फालतू चीजें उनको निकाल दें टेबल के ऊपर जो है इस तरह इन तमाम चीजों से आपको जो है ना आपको आ, मतलब मदद मिलेगी वक्त की बचत में इस सिलसिले में आप थोड़ी सी अगर वजाहत कर सकें देखें आ, मुझे चार दिन का टाइम दिया गया था और एक घंटा इससे पहले आठ दिन का टाइम दिया गया था और एक घंटा तो वो आठों वीडियो जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन पे बहुत तफसीली गुफ्तु की गई है और अगर आप यूट्यूब पे बशीर जुम्मा करके दावा अकेडमी लिखेंगे तो उसके अंदर जो है आई थिंक दूसरी या तीसरे टू ऑफ एट या थ्री ऑफ एट परेशन पे, पे दिया है और ये जो कलेक्टर और ये हैं जो हैं zakat खैरात के अंदर आप चीज़ों को दे दें निकाल दें घर से बस निकालें आप ना खुद मैंने अभी जो है चूंकि यहाँ आना था मुल्क से बाहर तो कई हजार किताबें जो हैं गाड़ियों में लोड करके मैंने मुख्तलिफ तलीम इदारों यूनिवर्सिटीज और जामतुलरशीद भिजवाई हैं ताकि वहाँ लोग पढ़ सकें और फायदा कर सकें इसलिए कि ज़्यादा मेरे लिए किताबें लाना तो मुश्किल था और मैं ये चीज़ चाह रहा था तो मैंने बड़ा अच्छा खासा अलमारियाँ लगाई अलमारियाँ भी दे, दे दी कि भाई आप ले जाएँ और उसको इस्तेमाल करें तो अलहदुल्ल ये चीज़ें जो हैं महमूद भाई उसके अंदर दी गई हैं और आप उसको वीडियोस को देख लें आ, मैं हाँ आप लिंक शेयर कर देंगे एहसान भाई जी जी खासकर ये वाली जो वीडियो पर है वो कर लें तो बाकी जो चीजें हैं मैं इसको जो है प्रेजेंटेशन को चार घंटे की हो जाएगी ओवरऑल तो ज्यादा से ज्यादा की सवा चार घंटे की मैं अपनी गुफ्तु तो रखती लेकिन बाकी दोनों किताबें और आपको जो वो मिल जाएगी सेल्फ मैनेजमेंट बुक जो एक्सेल की शीट है और हम कोशिश करेंगे वर्कबुक भी बन जाए जो दावा अकेडमी की थी उसी को मुझे एडजस्ट करना है कोई नई नई बनानी तो वो आपको हम शेयर कर लेंगे तो आपके लिए लोगों से मज़ीद प्रेजेंटेशन देना बहुत आसान हो जाएगा स्कूलों में कॉलेज में माशरे में मस्जिद में खुद मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कुल आपको पता है कि फोर्टी फोर लेसन तैयार हुए हैं आपको जब गुफ्तु में कर रहा होता हूँ प्रेजेंटेशन में तो आज मेरे ख्याल है कि बत्तीस लेसन कम्पलीट हुए हैं कल बारह लेसन और होने चाहे वो एक स्लाइड का लेसन हो चाहे वो पांच स्लाइड का लेसन हो तो आप एक एक स्लाइड पे जो है ना जो जो जुम्मे के खतीब हैं वो भी बोल सकते हैं और आप अपने इतारे के अंदर जहां आपको मौका हो आप कर सकते हैं मटेरियल अवेलेबल है जब आपको वो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगी पीडीएफ की सूरत में तो मेरा तो आपके ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना फिर आप आप अपने दोस्तों को गिफ्ट करना चाहेंगे तो मैं तो रोकने वाला नहीं हूँ आपको बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया जी आप तमाम का बहुत शुक्रिया बशीर जुमा साहब आपका शुक्रिया आप फिर भी वक्त मजीद देने के लिए आमदा है लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी और मलेशिया में ताखीर हो गई है तो हम यहाँ पे रोकते हैं इदरीस भाई रिजवाना और वैद नाम का शायद नजर आ रहे थे तो आपका सवाल आज नहीं लिया जा सकता इंशाल्लाह कल हम बात कर लेंगे। आ, कल हमारा आखिरी सेशन होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह